स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं मुस्कान। विजयपुर शहर में स्थित शाहपुर दरवाजा गली के करीब कोविड 19 के चलते फ्री वैक्सीन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम सोशल वर्कर और कांग्रेस के लीडर मोहम्मद रफीक तपाल के नेतृत्व में करवाया गया था, जिसमें शहर के कई नगर निवासियों ने भाग लेकर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का टीकाकरण करवाया है। ಆದಷ್ಟು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಐತಿ ಸರ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ। ಬಿಜಾಪುರ ಮೇ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಆಜ್ ದರ್ಗಾ ಕ್ರಾಸ್, ये जो शाहपुर दरवाज़ा है, यहाँ पे हमारी एक आम जमात मुस्लिम खबरस्तान कमेटी के ऑफिस में, यहाँ पे इनका एक अपना एक एनजीओ है जिसका नाम है कि सर्वधर्म भाविकता मंच। उसके ज़रिए हम लोगों ने यहाँ पे एक फ्री वैक्सीनेशन कैंप आज रखा था। सुबह 10 बजे से स्टार्ट है। हमारे सिविल हॉस्पिटल के पूरे डॉक्टर्स की वगैरह टीम आई है। अब तक 100 लोगों से ज़्यादा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होके इसका वैक्सीनेशन हो रहा है। मैं खुद लिया हूँ, मेरे साथ सभी लोग हमारे शिवाजी नामदार साहब हैं, हमारे सुलेमान मुजावर साहब, निसार बेपारी, आदिल बेपारी, कई लोग हमारे अल्लालिंग जो मेंबर हैं, एक्स मेंबर म्यूनसिपाल्टी के, वो भी लिए, और हमारे साजिदा कलाज की जो CMC के माजी उपाध्यक्ष थे, वो सब लिए। काफ़ी लोगों ने इसका ये उठाया। इसके बावजूद भी खास करके हमारे जो अकलियत हैं मुस्लिम समाज में, इसके बारे में थोड़े ख्यालात हैं कि भाई इसे लेने से थोड़ा आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम पे प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चे नहीं होंगे, या तो DNA का प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसे सब मनगढ़ंत बातें, सुपरस्टिशंस हैं। इन बातों को गौर मत कीजिए। जो भी इंसान ये ऐसे बातें फैला रहे हैं वो समाज में कहीं ना कहीं एक अतंत्र स्थिति तैयार करने के लिए बोलते हैं। हम लोगों को मेन स्ट्रीम में जाना है कि भाई देश क्या सोच रहा है, देश की सोच के साथ हमारी सोच होना चाहिए। हम क्या अलग हैं? वैक्सीन कभी हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं बनता, एक ही वैक्सीन बनता है। तो जाहिर है हम सबको वही है। आज आप लोग देखिए, वहाँ दूसरे कैंप में 70-80% 90% लोग ले रहे हैं, तो हमारे लोग सिर्फ 5% अभी तक रिकॉर्डेड है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में ऐसे कैंप करके माइनॉरिटीज़ है, दलित्स है, ये जो लोग हैं, इनमें भी ज़्यादा इसका अवेयरनेस हो और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लेके, जिस तरह से देश के हालात हैं, आज 4 लाख के करीब अफेक्टेड ये केसेस आ रहे हैं डेली, ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, इससे ज़्यादा कहीं पे भी नहीं है, कई हज़ार लोग मर रहे हैं। तो इसका हमें सबक सीखना चाहिए, इसके बल प्रिवेंशन 0.04% 10,000 में एक लोग, दो लोग, अब एक दो के लिए तो हमें हजारों लोगों का रिस्क नहीं ले सकते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग वैक्सीन जल्द से जल्द। थैंक यू। और लगातार खबरों के लिए देखते रहिएगा स्वराज एक्सप्रेस हिंदी न्यूज। स्वराज एक्सप्रेस से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और सबसे पहले हमारी न्यूज देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।